एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन ऑफ साइन स्क्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाय तो यहाँ पर आपका ये जो एक्स है क्या है वो टू एक्स प्लस फाइव पूरा तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू टू एक्स प्लस फाइव ही आपका एंगल है तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लें वन बाय टू डी एक्स माइनस इसके अंदर टू का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स प्लस टेन बाय टू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू डी एक्स वन बाय टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन वन का डी एक्स इंटीगेशन ऑफ वन डी एक्स होता है एक्स यानी कि एक्स बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स ठीक है इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है साइन एक्स तो यहाँ पे कॉस फोर एक्स प्लस टेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस टेन और अपॉन में इसका कॉफिशंट भी जाता है तो ये फोर अपॉन में टू थाई टू इंटू फोर एट हो गया एक्स बाय टू माइनस साइन फोर एक्स प्लस टेन बाय एट प्लस सी ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स यहाँ पर हम क्या करेंगे हमने एलेवन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ा था टू साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टू साइन ए कॉस बी बनाने के लिए टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करेंगे तो वन बाय टू और ये टू का मल्टीप्लाई है तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन ए कॉस बी अब यहाँ पे हम पहले फार्मूला अप्लाई कर दें ये वन बाय टू बाहर वन बाय टू बाहर तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और ये होल डी एक्स ठीक है नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ाए वन बाय टू बाहर इंडिकेशन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स हो जाएगा साइन सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स चूँकि साइन माइनस एक्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो वन बाय टू बाहर पूरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेवन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ये वन बाय टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन सेवन एक्स तो इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है कॉस एक्स यहाँ सेवन है तो कॉस सेवन एक्स और जो कॉफिशेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन सेवन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस सेवन एक्स बाय सेवन इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और ये प्लस सी यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें सेवन टू जो फोर्टीन माइनस कॉस सेवन एक्स अपॉन फोरटीन प्लस वन बाय टू कॉस एक्स प्लस सी ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम वैसा का वैसा ही है बाकी इसमें पहले सेकंड क्वेश्चन में आपको दो टर्म दी हुई थी इसमें तीन टर्म दी हुई है तो पहले क्या करेंगे है? हम दो दो टर्म लेके और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पहले हमने क्या करा कॉस टू एक्स और कॉस सिक्स एक्स इन दोनों को ले ली कास टू एक्स कॉस सिक्स एक्स कॉस फोर एक्स को हमने साइड में रख दिया और यहाँ पे वन बाय टू का इंटू और टू का इंटू ये कर दिया जिससे कट जाएगा तो वापस कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कराएंगे यहाँ पे आपके पास है टू कॉस कॉस बी टू कॉस से कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यहाँ पर आप फार्मूला पुट कर दीजिए टू कॉस ए कॉस बी ये कॉस फोर एक्स एसाई साथ चलेगा। में चलेगा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा टू कॉस कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी होता है ये हाफ बार कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी और ये कॉस फोर एक्स बाहर कॉस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स ये हो गया कॉस एट एक्स कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स ये होता है कॉस माइनस फोर एक्स और कॉस माइनस फोर कॉस क्या होता है माइनस को खा जाता है इसलिए वो माइनस हट जाता है उसमें से तो ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स प्लस का आ गया कॉस एट एक्स कॉस फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स इस कॉस फोर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया कॉस एट एक्स कॉस फोर एक्स और यहाँ पे जो कॉस फोर एक्स का उसमें कॉस फोर एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर फोर एक्स ठीक है वापस से फार्मूला अप्लाई करने के लिए वन बाय टू का इंटू और टू का इंटू कर दिया ये वन बाय टू बाहर ले लिया वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय फोर और टू कॉस है कॉस भी फिर फार्मूला इसमें लगेगा वन बाय फोर इंटीग्रेशन टू कॉस ए कॉस बी डी एक्स इंटीगेशन यहाँ पे कॉस स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे वन प्लस कॉस टू एक्स अब यहाँ पे एंगल डबल है तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉट एट एक्स ठीक है अब इसमें फार्मूला लगा दिया हमने टू कॉस ए कॉस बी का वन बाय फोर बाहर इंटीगेशन कॉस एट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस कॉट एट एक्स माइनस फोर एक्स कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन वन डी एक्स इंटीगेशन 8x एट एक्स डी एक्स वन फोर पूरा बाहर चल रहा है इंटीग्रेशन कॉस ट्वेल्व एक्स प्लस कॉस फोर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन काट डी एक्स वन बाई फोर बाहर कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस्ट फोर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस्ट ट्वेल्व एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एट एक्स इन सब को मैंने सेप्ट